हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू एन ईवीएस चैप्टर ऑफ क्लास फोर्थ व्हिच इज़ नंदिता इन मुंबई मुंबई आप सबको पता होगा कैपिटल है महाराष्ट्र की और बहुत ही क्राउडेड सिटी है तो कैसा एक्सपीरियंस नंदिता का रहता है मुंबई में क्योंकि वो गाँव से जाती है मुंबई दैट हम लोग दैट वी विल रीड इन दिस चैप्टर एंड मैं चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगी प्लस जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ओके okay? So, क्स्ट जो है इसकी वर्कशीट और कुछ क्विजेज आएंगी सो दूलता इन मुंबई क्लास फोर ईवीएस आई केम टू मुंबई अ मंथ अगो मैं लगभग एक महीने पहले मुंबई आई थी अब ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी आपसे सिंस वी केम जब से हम लोग आए हैं मदर हैज बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल उनकी जो मदर है वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं वी हैड कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट हम उनके ट्रीटमेंट के लिए ही मुंबई आए थे नंदिता की मदर के लिए ये लोग मुंबई आए थे द बिग सिटी मुंबई अब नंदिता बता रही है कि जो मुंबई है बहुत बड़ा शहर है आई हैड स्लोली गॉट यूज़ टू द सिटी मुझे मैं धीरे धीरे यूज़ टू हो गई हूँ शहर से यूज़ टू मतलब आदत पड़ जाना आदत हो गई अब आई स्टिल रिमेंबर मुझे अभी भी याद है द डे वन मदर एंड आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट मुंबई स्टेशन मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं और मदर गॉट ऑफ हुए थे उतरे थे ट्रेन से मुंबई स्टेशन पर इट वॉज सो क्राउडेड तब इतना ज़्यादा क्राउडेड था सब इतनी भीड़ थी आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ मदर सैंड मैंने जल्दी से अपनी मदर का हाथ पकड़ लिया आई वॉज थिंकिंग अबाउट मैं सोच रही थी कि हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड मामा हमें कैसे फाइंड करेंगे मामा जो मदर के ब्रदर होते हैं आपके उनको मामा कहते हैं जस्ट देन आई हर्ड समन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहड तभी मुझे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी कोई हमें जोर से बुला रहा था नंदिता नंदिता नाम से आई टर्न बैक मैं पीछे की तरफ मुड़ती हूँ एंड देर वॉज मामा और वहाँ पर मामा होते हैं जो उसको डर था कि कैसे ढूंढेंगे फाइनली वो उनको ढूंढ लेते हैं वी लेफ्ट द स्टेशन हम लोग स्टेशन को लेफ्ट करते हैं एंड वो आर सून ऑन अ वे टू मामाज हाउस और जल्दी हम लोग मामा के घर की तरफ चल देते हैं बट अगेन लेकिन फिर से इट

डॉटर्स थी बेटियाँ और एक जो सन था सभी लोग एक ही रूम में रहते थे नाउ आई टू लिव हेयर विद डेम अब मैं भी उनके साथ यहीं पर रहती हूँ इट इज़ हेयर दैट वी सिट यहीं पर हम लोग बैठते हैं स्लीप सोते हैं कुक एंड वॉश खाना बनाते हैं और बर्तन धोते हैं ऑल इन वन रूम सभी एक ही रूम में होता है माई हाउस इन विलेज ऑल्सो हैज ओनली वन रूम मेरा जो हाउस है गाँव में उसमें भी एक ही रूम है बट लेकिन वी हैव सेपरेट प्लेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बेदिंग लेकिन वहाँ पर नहाने के लिए और कुक करने के लिए हमारे पास अलग से जगह है वी ऑल्सो है कोर्टयार्ड आउटसाइड बाहर की तरफ हमारे यहाँ पर एक कोर्टयार्ड भी है आंगन भी है वाटर वाटर अब ये तो नंदिता ने बताया कितना कंजेस्टिड एरिया है सिर्फ एक रूम में पूरी फैमिली रह रही है बाहर भी कितनी भीड़ है आप लोग जानते होंगे शहरों में जनरली ऐसा होता है क्योंकि गांव से लोग काम की तलाश में शहर में जाते हैं अब ये कुछ और वहाँ की प्रॉब्लम्स बता रही है वाटर सबसे पहले है उसमें मामी सीमा एंड आई सीमा उनकी बड़ी बेटी का नाम होगा इनके मामा की हम तीनों क्या करते थे गॉट अप गेट अप उठ जाते थे एट फोर ओ क्लाक एवरी मॉर्निंग रोज सुबह हम लोग चार बजे उठ जाते थे क्यों एंड गो टू द पब्लिक टैप फॉर टू फिल वाटर जो पब्लिक टैप है सबके लिए जो होता है वहाँ पर पानी भरने के लिए जाते थे हो सकता है पानी सुबह ही आता हो फिक्स टाइमिंग हो ओ नो यू वुडन बिलीव हाउ मैनी फाइट्स दे आर फॉर वाटर तुम विश्वास नहीं करोगे कि वहाँ पर कितनी लड़ाइयाँ होती थी पानी के लिए इफ वी आर जस्ट अ लिटल लेट अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाए देन वी आर नॉट एबल टू फिल वॉटर फॉर द डे तो फिर पूरे दिन हमें पानी भरने को नहीं मिलता देर इज नो टैप इन आर हाउस इन द विलेज टू गाँव में भी हमारे घर में कोई टैप नहीं था द पौ इन दिलेज हैज़ वाटर लेकिन वहाँ पर गाँव में जो पौंड था तालाब उसमें पानी था इट टेक्स ट्वेंटी मिनट्स टू वॉक टू इट बीस मिनट लगते थे वहाँ तक जाने में इन समर गर्मियों में समटाइम्स द वॉटर इन द पौ ड्राइज अप गांव में जो पानी होता था पौंड में वो सूख जाता था देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट वन आवर फिर इन लोगों को एक घंटा चल के जाना होता था टू द रिवर रिवर में टू गेट वाटर पानी लेने के लिए बट इन द विलेज लेकिन गांव में there were नो फाइट्स फॉर वाटर वहाँ पे पानी के लिए लड़ाइयाँ नहीं होती थी इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव वो सड़क जिसके ऊपर मामा रहते थे देर इज अ टॉयलेट एट वन एंड उसके ऊपर आखिर में एक ही टॉयलेट था एवरी वन इन द स्ट्रीट यूज़ दैट टॉयलेट गाँव में वो सॉरी जो भी स्ट्रीट पर लोग रहते थे सभी उसी टॉयलेट को यूज़ करते थे इट इज़ ऑलवेज़ वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड वो हमेशा ही बहुत डर्टी रहती थी और बहुत ही ज़्यादा वहाँ से स्मेल भी आती थी एट फर्स्ट शुरू में तो इट यूज़ टू मेक मी वॉन्ट टू वॉमिट ऐसा लगा मुझे कि जैसे मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी एट टाइम्स कई बार देर आर नो देर इज़ नो वॉटर वहाँ पर पानी भी नहीं होता वी हैव टू टेक वाटर विद दस हमें अपने साथ पानी ले कर जाना होता है नाम गेटिंग यूज टू ऑल दिस लेकिन अब मुझे इन सब के, के मैं यूज़ टू हो गई हूँ मुझे आदत हो गई है सब चीज़ों की इन द विलेज गांव में पीपल गो टू द ओपन प्लेस और फील्ड फॉर टॉयलेट लोग जो है वो ओपन प्लेसेस में खुली जगह में या फिर फील्ड खेतों में जाते हैं टॉयलेट के लिए द मेन एंड वुमेन गो फॉर गो टू डिफरेंट प्लेसेज मेन के लिए अलग जगह है और वुमेन के लिए अलग से जगह है ना दे आर सम क्वेश्चन फॉर यू अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम विलेज टू मुंबई नंदिता अपनी मदर को गांव से मुंबई क्यों लाई थी सो so, क्यों लाई थी उसने स्टार्टिंग में बताया फॉर हर ट्रीटमेंट उसके ट्रीटमेंट के लिए अपनी मदर के ओके okay? तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे एक सेकेंड नंदिता हैड टू हैव की जगह हैड आ जाएगा ब्रिंग हर मदर फ्रॉम विलेज टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट ओके सेकेंड क्वेश्चन इज नंदिता यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग वेन एट फर्स्ट शी द टॉयलेट वेयर मामा लिव बाय जहाँ पर मामा रहते थे शुरू शुरू में लगा नंदिता को कि उसको वॉमिट हो जाएगी क्यों ऐसा हुआ बिकॉज रीज़न ये था इट वॉज़ वेरी डर्टी पहले तो ये बहुत ज़्यादा वो क्या थी डर्टी रहती थी एंड स्मेल सो बैड स्मेल्ट वेरी बैड सो बैड और उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती थी ओके okay? सो so, ये रीज़न था नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़ इन वॉट वेज़ नंदिता फ़ाइंड हर मामाज हाउस टू बी डिफरेंट फ्राम हर हाउस इन विलेज किन तरीकों से नंदिता को लगा कि उसके मामा का जो घर था वो उसके घर से बिल्कुल अलग था तो नंदिता का हाउस जो विलेज में था उसमें और जो मामा का हाउस था उसमें क्या डिफरेंस था सबसे पहले तो ये कि वहाँ पर नंदिता के हाउस में सेपरेट किचन थी और यहाँ पर मामा के हाउस में ऐसा कुछ नहीं था सेकेंड दे वॉज सेपरेट बाथरूम अलग से बाथरूम था और अगेन यहाँ पर जो था मामा के हाउस में देर वॉज नो बाथरूम थर्ड देर वॉज अ कोर्टयार्ड उनके वहाँ पर एक कोर्टयार्ड आंगन था और यहाँ पर नहीं था एक्चुअली मामा के हाउस में देर वॉज ओनली वन रूम सिर्फ एक ही रूम था और ऑल द एक्टिविटीज चाहे कुकिंग हो स्लीपिंग हो बेदिंग हो कुछ भी हो उसी में ही होता था उनका ओके नंदिता के वहाँ पर भी एक ही रूम था लेकिन बाकी एक्टिविटीज़ की अलग से जगह थी वॉट डिफरेंस डिड नंदिता फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप इन द विलेज एंड इन द विलेज वहाँ पर पब्लिक टैप से पानी लेने में और जो गांव में वो पानी लाती थी दोनों में क्या डिफरेंस नंदिता ने देखा सबसे पहले तो जो पब्लिक टैब से वो पानी लाते थे वहाँ पर देरवोस फिक्स टाइमिंग टाइमिंग बिल्कुल फिक्स थे इसलिए उनको सुबह जल्दी उठना पड़ता था चार बजे गाँव में ऐसा कुछ नहीं था सेकेंड गाँव में जो पानी था वो पौंड से आता था और यहाँ पर पब्लिक टैप आपको दिया गया थर्ड देरवो फाइट्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर लड़ाइयाँ होती थी पानी के लिए जबकि गांव में पौड़ से जब आप पानी ला रहे हैं कोई लड़ाई नहीं थी सेकेंड वॉज अ लॉन्ग लाइन लाइन लगती थी और पौंड से तो आप जो चाहे जब चाहे पानी ले आए ओके okay? सो so, ये दोनों डिफरेंसेस थे दोनों जगहों में नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स की आप टेंशन मत लीजिए जब हम लोग वर्कशीट करेंगे तब मैं आप सबको करा दूंगी अभी आपको सिर्फ चैप्टर समझना है वॉज देर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेर नंदिता मामा लिव गेस गेस करो जहाँ पर नंदिता के मामा रहते थे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थी क्या तो अगर आपने ऊपर वाली पिक्चर देखी है तो वहां पर एक सेकंड मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ ये देखिए जहां पर उसने हाउस की बात की थी ये देखिए बच्चा यहां पर बैठ के टीवी देख रहा है तो दैट मींस डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी वहां पर होगी वायरिंग भी आपको दिख रही होगी यहां पर ये ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके क्वेश्चन आर ओवर नेक्स्ट है आपका लर्निंग न्यू थिंग्स नई चीजें सीखना एवरी डे आई गो टू हॉस्पिटल बाय बस रोज ये हॉस्पिटल क्योंकि इनकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी तो रोज ये हॉस्पिटल जाती थी नंदिता बस से टू सी माई मदर अपनी मदर को देखने के लिए एट फर्स्ट शुरू में तो आई वॉज टू स्केयर टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेज मैं बहुत डरी हुई थी इतनी क्राउडेड भीड़ भाली भीड़ भाड़ वाली बसेज में जाने के लिए आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की आदत नहीं थी आई वॉज अफ्रेड मैं डरी हुई थी बट नाउ लेकिन अब इट इज़ नॉट लाइक दैट अब ऐसा नहीं है आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन मुझे पता है कैसे मुझे लाइन में खड़ा होना है हाउ मच टू पे फॉर टिकट कितना मुझे टिकट के लिए देना है वेयर टू गेट डाउन कहाँ पर उतरना है वेयर टू स्टे वेयर वी स्टे जहाँ पर हम लोग रहते हैं देर इज़ अ टॉल बिल्डिंग नियर बाई में एक बड़ी सी बिल्डिंग है माई मामी वर्क इन सेवन हाउसेज देयर मेरी मामी जो है वो सात घरों में काम करती है वहाँ पर शी वॉशिज यूटेंसिल्स वो बर्तन धोती हैं क्लींस द हाउसेस घर को साफ़ करती हैं वन डे आई वेंट विद हर एक दिन नंदिता भी मामी के साथ वहाँ पर चली जाती है वैन जब आई फर्स्ट सॉ द बिल्डिंग जब मैंने पहले बिल्डिंग को देखा इतनी बड़ी बिल्डिंग आई थॉट दैट इट वॉज वन बिग हाउस तो मुझे लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा हाउस है बट आई फाउंड लेकिन बाद में इसको पता लगता है दे वर मेनी हाउसेज लेकिन बाद में इसको पता लगता है कि वहां पर तो बहुत सारे बहुत सारे हाउसेज है उस बिल्डिंग के अंदर ऑन वन ऑन वन ऑन द टॉप ऑफ अदर एक के ऊपर एक आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखी होगी अलग अलग स्टोरीज होती है प्लस एक स्टोरी में भी बहुत सारे हाउसेज होते हैं I was wondering, मैं wonder कर रही थी how I would climb so many stairs, इतनी सीढ़ियाँ इतने ऊपर तक मैं कैसे चढ़ूँगी But there was a lift to take people up and down. लेकिन वहाँ पर lift थी लोगों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए It was like a big iron cage. ऐसा लग रहा था कि वो जो lift है वो बड़ी सी है कोई iron का लोहे का एक पिंजरा है with fans and light and even a bell. जिसमें fans है light है और bell भी है So many of us got into the lift. बहुत सारे लोग हम में से, लिफ्ट में चढ़ते हैं संबड़ी प्रेस द बटन कोई बटन प्रेस करता है एंड वी वेंट एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली और लिफ्ट जो है जल्दी से ऊपर चली जाती है टू टेल यू द ट्रूथ अगर मैं तुम्हें सच बताऊं आई वाज वेरी स्केयर्ड इन द बिगनिंग शुरू में तो मैं क्या थी बहुत ज़्यादा डर गई थी अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है डू यू नो एनी वन हु वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल क्या आप किसी को जानते हैं जो एडमिट हो हॉस्पिटल में कितने दिन के लिए आप उसको विजिट करने गए या नहीं एंड ऑल दिस क्वेश्चंस आपके लिए है आपने कहीं कोई बड़ी बिल्डिंग देखी है क्या उस बिल्डिंग में कितने फ्लोर थे आपने कितने फ्लोर क्लाइंब किए ओके अनदर हाउस अब दूसरे हाउस की ये बात बता रही है मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूज हाउस मामी पहले मुझे बबलू के घर ले कर जाती है हिज हाउस वॉज ऑन द ट्वेल्थ फ्लोर उसका जो हाउस था वो ट्वेल्थ फ्लोर पर था वॉट अ बिग हाउस कितना बड़ा घर है सो मैनी रूम्स इतने सारे उसमें रूम्स हैं ऑन वन टू सिट इन एक सिर्फ बैठने के लिए है ड्रॉइंग रूम वन टू इट इन एक सिर्फ खाने के लिए है डाइनिंग रूम वन टू स्लीप इन एक सिर्फ सोने के लिए है आपका बेडरूम एंड वन टू कुक इन और एक किचन है जिसमें सिर्फ खाना ही बनता है दे टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस दे वॉज उनकी जो टॉयलेट है वो भी घर के अंदर ही थी इट लुक मामी इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस मामी को बहुत ज्यादा टाइम लगता था बबलू के हाउस को साफ करने में बट शी कुली लेकिन वो आराम से काम कर लेती थी देर वॉज अ टैप वहाँ पर टैप भी था इन द किचन किचन में एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट और उसमें से पानी बह रहा था बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ बबलू ने उसके अंदर नीचे वो रखा बकेट रखी अपनी ताकि वो भर जाए और वो टू बात नहाने के लिए देन ही सेट डाउन टू वॉच टी वी उसके बाद वो टीवी देखने बैठ गया सो मच वाटर वॉज वेस्टेड और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो गया बकेट से निकलता रहा आई डिड नॉट लाइक इट मुझे ये पसंद नहीं आया आई वेंट एंड क्लोज द टैप क्योंकि इनको पता है कि पानी की कितनी इंपॉर्टेंस है बिकॉज इनको लंबी लाइन में लग के पानी लेना पड़ता है बहुत सारी फाइट्स होते हैं वो ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं तो इसने जाके उसको बंद कर दिया बबलूज हाउस हैड बिग ग्लास विंडो बबलू के घर में एक बड़ी सी ग्लास विंडो है मामी टोल्ड मी टू तो लुक डाउन फ्रॉम द विंडो मामी ने कहा जाओ देखो उस विंडो से नीचे देखो आई कुड सी मामा स्ट्रीट मुझे वहाँ से मामा की स्ट्रीट दिखाई दे रही थी एंड द हाउस और घर भी दिखाई दे रहा था बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वन वॉज हिज हाउस लेकिन मुझे ये नहीं पता लग रहा था कि उनका घर कौन सा है फ्रॉम अप देयर वहाँ से एवरी थिंग बिलो लुक लाइक अ स्मॉल टॉयज़ सब बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा था जैसे छोटे से टॉयज़ होते हैं आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट मुझे डर लग रहा था इतनी हाइट से देखने के बाद तो देखिए दो अलग अलग लाइफ दिखाई हुई है एक ही शहर में एक है आपकी जो कि इसमें रहते हैं यहाँ पर इस शहर में इस तरीके से घर देखिए और एक है आपकी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं वे नंदिता फर्स्ट केम टू मुंबई जब नंदिता पहली बार मुंबई आती है वर द थिंग्स दैट शी टू डू कौन कौन सी चीजें जो वो करने से बहुत डरती है तो सबसे पहले जिस चीज से नंदिता को डर लगता है दैट वॉज क्राउडेड प्लेसेज जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है उनसे वो बहुत ज्यादा डरती थी शुरू में जैसे कि उसने बताया जब वो गेट डाउन करती है स्टेशन पर तब और बाद में भी सेकेंड उसको डर लगता था बोर्डिंग इन बस बस में चढ़ने में जब वो अपनी मदर को विज़िट करने के लिए जाती थी हॉस्पिटल में ओके okay. तीसरी चीज़ जिससे उसको डर लगता था दैट वो डर लगा था दैट वाज़ इन द लिफ्ट जब वो जा रही थी लिफ्ट में भी उसे डर लगा था उसने बताया है एंड uh, बाद में उसको डर लगा था टू लुक डाउन फ्रॉम लुक डाउन नीचे देखने में फ्रॉम हायर फ्लोर्स जो उनके बड़े जो फ्लोर थे जब वो उनके घर से अब नीचे देखते तब उसको डर लगता था चार चीज चार बार उसको डर लगा मुंबई आने के बाद लेकिन अब वो सब चीज़ों से यूज टू हो गई है क्राउडेड प्लेसेस से लगता था बोर्ड बस बोर्ड करने से लेकिन अब उसको पता है कि किस तरीके से बस में चढ़ना है टिकट लेनी है कहाँ उतरना है इन द लिफ्ट लिफ्ट में उसको डर लगा एंड जब उसने ऊपर से नीचे अपने घर को देखा तब उसे डर लगा था व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन द हाउस वेयर मामा लिफ्ट जहाँ पर मामा रहते थे उस घर में और जो हाई राइज बिल्डिंग थी उन दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों का डिफरेंस आपको बताना है तो सबसे पहले तो जो मामा का घर था देर वॉज नो टॉयलेट्स कोई टॉयलेट नहीं थी इन घरों में जो था वो सेपरेट टॉयलेट थी ओके देर वॉज ओनली वन रूम मामा के घर में सिर्फ एक ही रूम था और यहाँ पर जो रूम मेंशन किए हैं चार रूम्स तो उसने बताए ही है एक सिर्फ बैठने के लिए एक सिर्फ खाना खाने के लिए एक सिर्फ सोने के लिए ओके थ्री रूम सॉरी एंड रेस्ट वर किचन एंड ऑल थ्री रूम्स थे प्लस जो एक्स्ट्रा किचन टॉयलेट्स ये भी चीज़ें थीं नेक्स्ट नो no वाटर टैब यहाँ पर कोई पानी का टैब नहीं था और टैप नहीं था और इनके घर में यहाँ पर वाटर टैप था किचन में भी और बाथरूम में भी सेकेंड नो ग्लास विंडो और यहाँ पर ग्लास विंडोज़ थी ओके okay? डिस्कस वेयर वाई दे दीज डिफेंस वर देअर डिस्कस करिए कित ऐसा अंतर क्यों था सो so, नंदिता के मामा जो थे दे मस्ट भी हैविंग लेस मनी कम पैसा था उनके पास सो ही कुड नॉट बिल्ड अ लार्ज हाउस और बाई अ फ्लैट वो नहीं खरीद सकते थे कोई बड़ा सा हाउस या फिर बना सकते थे अपने लिए आप सर्कल ड्रॉ करिए अराउंड द काइंड ऑफ हाउसेज यू लिव इन जैसे घर में आप रहते वो कैसा हाउस है नंदिता जैसा मामा जैसा बबलू जैसा या फिर कोई और उसके ऊपर आपको सर्कल लगाना है जैसा आपका घर है वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू योर हाउस आपके घर में पानी कहाँ से आता है टैप से आता है तो वो लिख दीजिए आप हैंड uh, पंप से लेते हैं वो लिख दीजिए मोटर से आता है जो भी आपके जिस जैसे भी घर में पानी आता है वैसे ही आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है क्या और हाउ मेनी आर्स इन अ डे डू यू गेट इलेक्ट्रिसिटी कितने घंटे आपके घर में बिजली आती है आपके घर के आसपास कौन सा हॉस्पिटल है उसका नाम लिखना है आपके घर से ये चीज़ें कितनी दूर है बस स्टॉप स्कूल मार्केट पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल और पिक्चर ड्रॉ करनी है आपको आपके इसमें जो डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज होते हैं अ न्यू वरी अब एक नई चिंता की बात है देखते हैं अब क्या हुआ मामा हैड सेट मामा ने कहा था दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई कि वो मुझे लेके जाएंगे मुंबई दिखाने द चिल्ड्रन अराउंड टॉक अ लॉट अबाउट चौपाटी बच्चे यहाँ जो है यहाँ के मुंबई को चौपाटी के बारे में बहुत बातें करते हैं देस से वो कहते हैं दैट बिग फिल्म स्टार ऑल्सो कम देयर कि चौपाटी में तो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी आते हैं मैनी बी वेन आई गोट आई गो देर आई माइट सी अ फिल्म स्टार मे बी हो सकता है कि जब मैं वहाँ पे जाऊँ तो मुझे मैं किसी फिल्म स्टार से मिल भी लूँ दीज डेज आजकल मामा इज सो वरीड मामा जो है बहुत चिंता में रहते हैं आई कैनॉट आस्कम टू टेक मी टू चौपाटी मैं नहीं कह सकती कि मुझे चौपाटी ले जाओ लास्ट वीक समीपल है नोटिस दैट एवरी वन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस कुछ दिनों पहले कुछ लोग आए थे नोटिस लेकर कि अब हमें यहाँ से मूव आउट करना पड़ेगा सब लोगों को हटना पड़ेगा देश से अब बिग होटल विल बी बिल्ट देयर वो कहते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा होटल बनाया जाएगा मामा वेंग दैट दिस इज़ द थर्ड टाइम इन द लास्ट टेन ईयर्स मामा बता रहे थे कि पिछले दस साल में तीसरी बार है दैट ही गॉड सच नोटिस कि उन्हें ऐसा नोटिस मिला है पीपल हु लिव्ड हेयर हैव बिन गिवन अन प्लेस टू मेक देयर हाउस जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हें एक और दूसरी जगह दे दी गई है अपना घर बनाने के लिए बट इट इज़ वेरी फार अवे लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर है अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी शहर के दूसरे कोने में है बिल्कुल देर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पर पानी भी नहीं है नो no इलेक्ट्रिसिटी बिजली भी नहीं है आई डोंट इवन नो इफ एनी बस गोज देयर मुझे तो ये भी नहीं पता वहाँ पर कोई बस भी जाती है या नहीं हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार इतनी दूर से मामा अपने काम पर कैसे जाएंगे एंड हाउ मच मनी विल बी ही स्पेंड एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो कितने उन्हें पैसा लगेगा बस में आने जाने के लिए और कितना टाइम भी लगेगा और मामी विल शी गेट सम अदर वर्क देयर क्या मामी को वहाँ पर कोई और काम मिल जाएगा इफ़ मामा मूव टू अ न्यू प्लेस अगर मामा किसी नई जगह चले जाते हैं हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर मैं अपनी मदर को कैसे विजिट कर सकूँगी हॉस्पिटल में मदर इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज यट मदर अभी तक पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हुई है अब कुछ क्वेश्चन हैं राइट इन योर नोटबुक आपको आपकी नोटबुक में लिखना है वाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस मामा को अपना घर चेंज क्यों करना पड़ेगा क्योंकि मामा का हाउस जो है व टू बी डिमोलिश्ड वो डिमोलिश होने वाला है एंड अ न्यू होटल विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर हाउस विल बी डिमोलिश्ड हाउस डिमोलिश हो जाएगा तोड़ा जाएगा एंड न्यू होटल विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर और नया वहाँ पर होटल बनाया जाएगा ओके विल बी कंस्ट्रक्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर मूव फ्रॉम योर क्या आप कभी घर से बाहर गए हैं गए हैं तो कब डू पीपल क्या आपकी फैमिली में लोग काम पर जाते हैं कैसे नेक्स्ट डिस्कशन के लिए आपके लिए इज इट राइट दैट मामा एंड अदर हैव टू मूव बिकॉज द होटल इज गोइंग टू बिल्ड क्या ये सही है कि मामा और दूसरे लोगों को मार जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर होटल बन रहा है बिल्कुल भी नहीं हु विल बेनिफिट फ्रॉम इट कौन इससे बेनिफिट होंगे द ओनर ऑफ द होटल जो होटल का ओनर है उसको सिर्फ बेनिफिट होगा इससे

तो उनके बारे में आपको बात करनी है सो दैट्स ऑल दिस वॉज योर चैप्टर आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा मुंबई सिटी के बारे में बताया हुआ है किस तरीके से सिटी क्राउडेड है क्या क्या वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम है किस तरीके से दो डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं लोग एंड थर्ड जो लास्ट में बताया इसने कि जो हाउसेज़ हैं वो भी डिमोलिश कर दिए जाते हैं वहाँ पर बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए सो दैट्स ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जल्दी इसकी आपकी वर्कशीट और क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी